कुशीनगर जनपद के खड्डा तहसील क्षेत्र के भैसहा घाट पर बनाया गया पीपा पुल नारायणी नदी पार करने वालों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है, क्योंकि नदी के दूसरे तरफ उतरने के बाद ग्रामीणों को लगभग 10 फुट की दूरी पानी में उतरकर ही पार करने पड़ रही हैं। वहीं रेतावासी अपनी दुर्दशा पर राहत कैसे महसूस करें, ग्रामीणों का कहना है कि इस पीपा पुल लगाने से रेतावासियों को नहीं तस्करों को ज़्यादा फायदा हो रहा है। यही पीपा पुल यदि 500 मीटर पूर्व लगा होता तो रेतावासियों को समस्या से जूझना नहीं पड़ता। पीपा पुल लगाने के बाद ग्रामीणों ने इस समस्या की बात उठाई थी, लेकिन प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दिया, जिसका खामियाजा रेतावासी भोगने के लिए मजबूर हैं। शायद भगवान ने इनकी यही नीयत बना रखी है। आइए देखते हैं इस पर एक विशेष रिपोर्ट। है आपका? हमारा श्रीनिवास चौधरी। घर कहाँ है आपका? जो पीपा का फूल लगा है इसे आप संतुष्ट हैं? संतुष्टि कुछ नहीं मिल रहा है। हम लोग रात में जैसे आएंगे, दिन में आएंगे, हमको इतना पानी हेलना पड़ता है। बताइए, इतना दिन अगर खाली हो गया है तो हम कहाँ जाएंगे? रात में पानी बढ़ जाए तो हम लोग कैसे आएंगे? दिन में पानी बढ़ जाए कैसे आएंगे? केवल इसमें ये लगा है कि ये लग गया है, ढाला गिर गया है। ढाला गिरने के बाद पानी लोग झेल कर जाए आए, मोटरसाइकिल सीज हो रही है, बस ही के लोग आ रहे हैं, भंसा के लोग आ रहे हैं, दूर दूर के लोग। इधर आप कहाँ जा रहे हैं? अपनी खेती में। इधर आपका खेती है? जी, क्या हमारा खेती करता है, मान लीजिए वहाँ जाते हैं, हम लोग अपना खेती गृहस्थी करते हैं। ये पीपा सपना ये भी है कि अगर बढ़िया ढाला लग जाएगा, अगर सुरक्षित हो जाएगा तो अच्छा है, अगर नहीं हो रहा है तो मान लीजिए हम लोग रात में पानी हेलेंगे, दिन में पानी हेलेंगे, कहाँ जाएंगे? ज़्यादा पानी बढ़ जाएगा, कहाँ तक जाएंगे हम लोग? कोई डूब जाए, कोई ये हो जाए तो कैसे काम चलेगा? हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।